नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे NVS लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 का पेपर। आज का ये जो पेपर है ये आपके सितंबर 2022 में होने वाले लाइब्रेरी साइंस के पेपर में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, शैक्षणिक पुस्तकालय की विभिन्न श्रेणियाँ के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की बात की गई है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। ये चारों ही कैटेगरी आपको याद में रखनी है। अगला क्वेश्चन अपन लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। पहली कंडीशन है कि डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं, उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, अपन ऐसे पढ़ेंगे कि डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है, तो उसे तो अपन कहेंगे द्वेध संचार। ये तो अपना इसका सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। फिर कंडीशन डालिए कि एक साथ नहीं, जब एक साथ नहीं भेज सकते ना, तो उसे कहेंगे अर्धद्वेध संचार। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। फिर क्वेश्चन है अपने पास में कि जनसंपर्क PR पब्लिक रिलेशन से एक समुदाय के भीतर क्या स्थापित करने में मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छवि और स्थान, इमेज प्लेस अपन कह सकते हैं, छवि और स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे मीडिया मिश्रित हाइपर टेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा हाइपर मीडिया। फिर अपना क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपर टेक्स्ट जो शब्द है ये किसने दिया, तो ये आपको याद रखना है टेड नेल्सन के द्वारा ये दिया गया। फिर क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पे कि TB कृष्णा राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरल डिग्री मिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन वर्गीकरण। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको रखना है कि दूसरी जो PhD डिग्री मिली थी वो PSK शर्मा को मिली थी, और उनका टाइटल था DDC स्कीम फॉर इंडोलॉजी। आपको दोनों के ही आपको ये टाइटल याद में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन की मांग व आपूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। मे कोलविन के द्वारा दिया गया सन 1925 में। फिर क्वेश्चन आता है 1950 में CPM पद्धति किसने विकसित की। तो 1950 में CPM पद्धति केली और वॉकर के द्वारा प्रस्तुत की गई, और आपको CPM की फुल फॉर्म याद रखना है क्रिटिकल पाथ मेथड। फिर अगला क्वेश्चन अपना हो जाता है, उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम इनमें से किसकी सहायता से मशीन स्तर के निर्देश में रूपांतरित किए जा सकते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं इनको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन आएगा, संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्तन और पुनः संचरण के लिए करते हैं। संकेतों के परिवर्तन और पुनः संचरण के लिए करते हैं, उसे कहेंगे प्रेस ग्राही। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन अगला है, अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र का क्या नाम है। तो राष्ट्रीय केंद्र का जो नाम है वो है इन्फ्लिपनेट, और इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका जो वर्तमान में आपको केंद्र याद रखना है वो है गांधीनगर गुजरात में, और ये एक UGC का प्रोजेक्ट है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन है, अपूर्ण विराम वर्गीकरण का 6ठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ। तो कोलन क्लासिफिकेशन है, उसका 6ठा संस्करण का प्रकाशित हुआ, तो ये आपका 1960 में प्रकाशित हुआ। फिर क्वेश्चन आता है कि मार्क 21 में टेक 250 किसको इंडिकेट करता है। मार्क 21 में टेक 250 पूछा है, तो आपको जितने भी टेक होते हैं मार्क 21 के अंदर वो सब याद रखने हैं, और सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संस्करण कथन, या फिर अपन कह सकते हैं इसको 250 को, इसको कह सकते हैं एडिसन बोल सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं संस्करण कथन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दो चार टेक में आपको बता देता हूँ, जिससे कि अपन देखेंगे कि 010 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अपन देखेंगे कि 260 की बात करेंगे वो पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन को करेगा, 100 का जो टैग होता है वो करेगा पर्सनल नेम मेन एंट्री नंबर। जितने भी टैग होते हैं वो सब के सब आपको याद में रखने हैं। फिर अपना क्वेश्चन बनेगा कि शब्दको सूची के लिए नियम का लेखक कौन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का लेखक कौन है, तो ये आपके हैं चार्ल्स एम ए कटर। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। रूल फॉर प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग है वो भी सी ए कटर के द्वारा है, तो दोनों का ही उत्तर आपको याद में रखना है।
फिर अगला क्वेश्चन है, टिक्यूएम को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित किया गया, कौन सा आईएसओ लागू करके किया गया, तो आईएसओ 9000 लागू करके नियोजित किया गया, टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये अमेरिकी नौसेना के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था वो भी आपको याद रखना है, तो ये 1985 में इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना के द्वारा करना शुरू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आएगा अपने पास में कि संदर्भ सामग्री के लिए वालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन ने प्रकाशित की थी। फिर अगला क्वेश्चन अपना बनेगा यहाँ पे, संक्षिप्त नाम पोस्ट कॉर्प किसने दिया, तो पोस्ट कॉर्प याद रखना है लूथर गुलिक ने दिया। पोस्ट कॉर्प के जो वर्ड्स होते हैं इनका आपको मतलब याद रखना है कि पोस्ट कॉर्प के अंदर ये जो दे रखे हैं इन सबका मतलब क्या होता है, जैसे कि पी का होता है प्लानिंग, ओ का होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन करना, फिर अपना दे रखा है डी, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशित करना, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है बजटिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेखक पुस्तक के लेखक का न पता हो इसे कार्य को क्या कहते हैं, तो इसे कार्य को गुमनाम कार्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उद्धरण अनुक्रमण इनमें से किसका योगदान है, ये जो साइटेशन इंडेक्स होता है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया यूजिन गारफील्ड के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान सार ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, तो ये आपको याद रखना है निस्केयर के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, और निस्केयर दो आपको पता है ये 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया था, ये भी आपको थोड़ा सा याद यहाँ पे रखना है। फिर अपना अगला क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटरों के छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेन का किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपको याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका ये NMP नहीं है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको चारों की फुल फॉर्म याद में रखनी है। फिर क्वेश्चन आएगा, प्राथमिक साहित्य के स्थापनापन पुनः संवेष्टन संहन की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है, तो वो है सारकरण और अनुक्रमणी पत्रिका। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के साधवीप के तहत क्या नहीं आता, ये गोपनीयता नहीं आती है, पुस्तकालय पेशेवरों के आचरण के जो साधवीप बताएंगे उनमें क्या नहीं आता है, गोपनीयता नहीं आती है, बाकी स्वयं से पहले सेवा ये भी आता है, सहानुभूतिपूर्ण विचार भी आता है और शिष्टाचार भी आता है। फिर क्वेश्चन बनेगा, इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है, जो रेडी रेफरेंस होते हैं या तैयार संदर्भ होते हैं उनको पंचांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहते हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रामीटर की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की, तो लिब्रामीटर की जो अवधारणा है वो सबसे पहले जो विकसित की थी वो की थी डॉक्टर SR रंगनाथ ने की थी। अब ये कब की थी, ये की थी 1948 के अंदर ए स्लिप जो है एक संगठन उसके सम्मेलन में इसकी अवधारणा सबसे पहले की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना है 28 नंबर क्वेश्चन, PMEST बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया रखा है कि जो सेमीकोलन है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेमीकोलन किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब आपको मैं सारे बता देता हूँ, ये तो करेगा पदार्थ को, अब जो अपना पी है ना, पी के अंत का मतलब होता है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी को को रिप्रेजेंट करता है कोमा। उसके बाद में बोला कि एम, जैसे एम की बात करेंगे, एम होता है मैटर, और मैटर को कौन करता है यहाँ पे, मैटर यानी पदार्थ, और पदार्थ को किया जाता है सेमीकोलन से। उसके बाद में अपने को दे रखा है यहाँ पे ई यानी एनर्जी, और एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है कोलन से। इसके बाद में दे रखा है अपने पास में एस का मतलब होता है स्पेस, स्पेस को किया जाता है डॉट से रिप्रेजेंट, और इसके बाद में दे रखा है टाइम को किया जाता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा से। ये आपको सारे के सारे आपको याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्द अधि श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, तो ये गैंग प्लांक से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है 29 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है, उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह है, इसका मतलब है कि सभी प्रकार के यूजर यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अपना बनता है कि शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख क्या होते हैं,
शोध पत्रिकाओं में जो भी लेख प्रकाशित होते हैं ना वो अपने होते हैं सूचना के प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई, 1891 में की गई, कहाँ पे है ये, पटना के अंदर है, और ये खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन है यहाँ पे कि ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो सारे ऑप्शन में अपन नज़र डालेंगे तो उसका उत्तर बनेगा सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ कुछ और खास गतिविधियाँ भी शामिल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि DLRG मेलिंग सूची कौन तैयार करता है, तो ये करता है DRTC। इसको कौन तैयार करता है, DRTC तैयार करता है। DRTC याद रखना है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा सन 1962 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ASCII में एकादशमलव रूप क्या है, ASCII जो अपना होता है एक सिस्टम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके अंदर एकादशमलव संख्या क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कैपिटल ए का अपने को पूछा है, तो कैपिटल ए का जो होगा वो हो जाएगा 65, ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2। जैसे ए का 65 हो जाएगा, बी का 66 हो जाएगा, सी का 67 हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछ ले कि स्मॉल ए का कितना होगा, जैसे कैपिटल ए का तो ये इतना हो गया, स्मॉल ए का याद रखना आपको 97, यानी कैपिटल ए का आपको 65 और उसके बाद में स्मॉल ए का हो जाएगा 97। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिका ऐसा डॉन डिंकिंग्स ने भारतीय पुस्तकालयों के लिए इसकी मदद से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, तो ये था पंजाब पुस्तकालय प्राइमर, क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन है इम्पीरियल पुस्तकालय भारत का इम्पीरियल पुस्तकालय में भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था, जॉन मैकफरलेन, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन है सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ पे है, सरस्वती महल पुस्तकालय है ये आपके तंजौर के अंदर है, तंजावुर भी इसको कह सकते हैं, और ये तंजावुर है ना ये तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है एक सरस्वती पुस्तकालय है वो अपना उदयपुर के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर, लेकिन जब सरस्वती महल पुस्तकालय की बात की जाएगी वो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके बाद में और ये एक सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। WCR2 के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले क्या लगा होना चाहिए, उत्तरदायित्व कथन से पहले क्या लगा होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है विकर्णी तिर्यक, ये लगा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से क्या 2012 के बाद में प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया, तो ये सिंपल सा याद रखना है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे पुस्तकालय के उपयोगकर्ता के लिए पुस्तकालय द्वारा लगाए गए निर्देश के पर्चे को क्या कहते हैं, पुस्तकालय मार्गदर्शिका। फिर क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विपणन का क्या अर्थ होता है, पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाओं को बेचना। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक गैर व्यवहारिक नवव्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया, यानी 4 कैटेगरी के अंदर इसको किसने वर्गीकृत किया, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर SR रंगनाथन ने। इसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, वो है विपणन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, तो विपणन के लिए एक तो बाजार का विश्लेषण और एक उपयोगकर्ता का विश्लेषण, ये 2 टेक्निक इसके अंदर अपने सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय का तीसरा कौन होता है, तो तीसरा होता है कर्मचारी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है लाइफ आई का फुल फॉर्म लाइट फिडेलिटी। फिर क्वेश्चन है अपना किसी विशिष्ट
उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिय सूचना समाचार युक्त प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के अन्य रूप को क्या कहते हैं, समाचार पत्रिका कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की, यानी एक पाठक को कितनी जगह मिलनी चाहिए, ये क्वेश्चन है अपना। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने दो पॉइंट दो पांच वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन नंबर 50, पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम पुस्तक का प्रकाशक कौन है। तो इसका प्रकाशक कौन है, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका प्रकाशक है मद्रास पुस्तकालय संगठन। तो ये अपने 50 क्वेश्चन थे लाइब्रेरी साइंस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी को आप सोल्व करना ना भूलें। इसके अलावा जो भी आपकी डिमांड हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।